जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी टॉप 3 फेवरेट क्रिकेट गेम्स के बारे में, जो कि दोस्तों हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरे को कौन से ऐसी 3 मेरी जो फेवरेट गेम्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और शायद ही दोस्तों वो भी आपकी फेवरेट गेम्स हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट क्रिकेट गेम्स के बारे में और जो कि आपकी भी फेवरेट क्रिकेट गेम्स हो सकती है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको मैं अपनी 3 फेवरेट क्रिकेट गेम्स बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों मैं आपको लिस्ट वाइज बताऊंगी, नंबर तीसरे पे कौन सा है, नंबर दूसरे पे। तो दोस्तों जो नंबर तीसरे पे गेम आती है जो कि मेरी फेवरेट गेम है वो है दोस्तों सच्ची सागा क्रिकेट चैंपियंस। तो अब दोस्तों फेवरेट क्रिकेट गेम क्यों है मेरी, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हमें जो है ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, मेरे ओपिनियंस ऐसे और जहाँ तक मैं गेमिंग करता हूँ वहाँ तक मेरे को दोस्तों लगता है कि दोस्तों जो सचिन सागा है उसके जो सबसे अच्छे ग्राफिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी क्रिकेट गेम्स जितने भी हैं। लेकिन दोस्तों ये जो क्रिकेट गेम है ये बस एक ही चीज़ से मात खा जाती है, वो है दोस्तों इसके बॉलिंग का जो फीचर। तो इसमें हमें बॉलिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मे बी फ्यूचर में हमें इसमें बॉलिंग का फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल इनके अपडेट्स के बारे में अभी ये कुछ नहीं बता रहे हैं कि कौन सा अपडेट आएगा या फिर कुछ भी। तो अभी पता नहीं है गेम पे अपने काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों तीसरे नंबर पर मेरी ये इसलिए फेवरेट गेम है क्योंकि इसका गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ इसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमें रियलिस्टिक देखने को मिल जाते हैं। तो अब नंबर दो पर जो गेम आती है जो कि मेरी फेवरेट गेम है वो है रियल क्रिकेट 18। तो अब रियल क्रिकेट 18 मेरी नंबर दो पे गेम क्यों आते, नंबर वन पे क्यों नहीं आते, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो नंबर दो पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसलिए आती है क्योंकि इसके जो है हमें सब कुछ हमें इसमें देखने को मिल जाता है, जितने भी टूर्नामेंट्स हो, सुपर ओवर हो, IPL ऑक्शन हो। तो अब हमें इसमें एशिया कप वाला अपडेट भी देखने को मिल रहा है और टेस्ट मैच का अपडेट भी देखने को मिलेगा। तो जैसा कि कंपनी ने कंफर्म किया, तो इसकी वजह से जो है गेम है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसमें सारे के सारे जो है जितने भी फीचर्स हमें सब देखने को मिल जाते हैं, उसका ग्राफिक्स भी बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसका जो प्रीवियस वर्जन था उसमें हमें उतने ग्राफिक्स बढ़िया देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इसके नए वर्जन में हमें ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने अभी तक गेम को अपडेट नहीं किया तो ज़रूर से गेम को अपडेट करिएगा, इसमें सारे के सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ इसके ग्राफिक्स, गेम प्ले सब कुछ हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी दूसरे नंबर पर क्यों आते हैं आप, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपसे दूसरे नंबर से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर वन पर कौन सी गेम है, वो है दोस्तों WCC2। तो WCC2 क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो WCC2 है वो भी आज से कोई तीन से चार साल पहले आई थी गेम। तो ये जो गेम है मेरी उस टाइम पे भी बहुत ही फेवरेट हुआ करती थी। उससे पहले भी मेरी जो फेवरेट गेम थी वो थी WCC, जो उनकी सीरीज़ की गेम है जो वन पे थी WCC। तो इसके दो पार्ट थे, प्रो और एक छोटा सा वर्जन था, लेकिन वो 40 MB का था। लेकिन जो प्रो वर्जन था जिसमें हमें सब कुछ अनलॉक देखने को मिल जाता है वो 230 MB के तक का था, लेकिन पता नहीं क्यों वो 30 MB का था और जो प्रो वर्जन नहीं था वो हमें ज़्यादा MB का देखने को मिलता था, उसमें उतना ज़्यादा फीचर भी नहीं थे। तो खैर इस बात को छोड़िए, हम बात करते हैं नंबर पहले पे क्यों आती, क्योंकि इस गेम से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं हम सबकी है और बहुत ही अच्छी गेम हमें देखने को मिल जाते थे उस टाइम पर। अभी भी हमें नंबर वन क्रिकेट गेम यही देखने को मिलता है, हमें इसमें सारे के सारे लगभग सारे टूर्नामेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, अल्ट्रा एच जैसा फीचर भी हमें इसमें देखने को मिलता है, करेक्टर कस्टमाइजेशन हो या फिर और भी बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स हो, हमें इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी गेम्स में हमें इतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। अब दूसरे नंबर पे मैंने रियल क्रिकेट 18 को इसलिए रखा क्योंकि अगर हम रियल क्रिकेट 18 और WCC2 का कंपैरिजन करें तो दोनों ही क्रिकेट गेम जो बहुत ही बेस्ट हमें क्रिकेट गेम देखने को मिल जाते हैं और दोनों का ही मुकाबला एक दूसरे से एक से बढ़कर एक क्रिकेट गेम है। तो नंबर दो पर मैंने रियल क्रिकेट 18 को इसलिए रखा था क्योंकि अभी वो नया गेम है, उतना ज़्यादा मैं उसको खेलता तो बहुत हूँ उसे भी, लेकिन फिर भी WCC2 जो हमारी पुरानी गेम है बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको गेम खेलने में। तो इसलिए दोस्तों मैंने नंबर वन पे इसलिए रखा WCC2 को क्योंकि दोस्तों बहुत ही पुरानी गेम और इतनी अच्छी गेम जो हम काफ़ी समय से खेलते आ रहे हैं एज अ फैन ऑफ WCC। तो इसलिए मैंने ये जो है दोस्तों नंबर वन पे गेम रखी। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही बताना था आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप भी बताइएगा कि आपकी टॉप 3 फेवरेट क्रिकेट गेम्स कौन सी है। तो मेरा नाम है तुषार, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।